मॉनसून की विदाई के साथ ही दिल्ली के साथ यूपी और हरियाणा के एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण में इजाफा होने लगा है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने से पहले ही दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता स्तर 150 के पार चल रहा है। ऐसे में जल्द ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो सकती है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से राहत की खबर भी आ रही है। रविवार और सोमवार को बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी और ठंड में इजाफा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके चलते 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 17 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 18 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते यहाँ वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी तो बारिश से ठंड में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने मौसम के एक सिस्टम के चलते देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में शनिवार से ही बदलाव देखने को मिलने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव के बीच बादल छाए रहेंगे और शनिवार को बिजली भी चमक सकती है। इसके बाद रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों के गर्मी से राहत भी मिलेगी। कुल मिलाकर नवंबर के पहले सप्ताह में गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस की जाने लगेगी। यहाँ पर बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोगों ने बृहस्पतिवार सुबह हल्की ठंड का एहसास किया। खासकर जो लोग सुबह घूमने के लिए निकले थे, उन्होंने 5 बजे के आसपास हल्की ठंड महसूस की। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।